समय होता है, आपका एक कंडीशनिंग होता है सर। 2-5 साल का संघर्ष करो, आपने प्रिपरेशन करी, आपकी एग्जाम। कि तुमने कुछ सोच के बनाई होगी अपने कि मैं ये चैनल बनाऊंगा, तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसा लगाते हैं कि यार आज बढ़िया बता रहे हैं कि इनका नाम अमन है, मुझे नहीं पता, पर ये सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पर गांधी हॉल रिक चौक फेस्टिवल के अंदर। तो आपको आज दिखाऊंगा मैं प्रफुल्ल बिलोरे जी, मनोज तिवारी और भी बहुत सारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। तो बने रहिएगा इस व्लॉग के साथ। ओके, मिलते हैं अब तक। कितना टाइम लगता है इसमें सर, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? ये मतलब कुछ मतलब घंटे तो लगते ही होंगे, कुछ मेहनत का काम है। अभी किसका बना रहे हैं आप? अरे आर्मी वाले। अच्छा, आर्मी वाले सर का। तो देख सकते हैं आप, सेल्फी पॉइंट बना रखा है उन्होंने, मैं थोड़ा दूर से बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट। आशीष जी, थैंक यू। मैं सबसे पहले आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि क्या मैं प्यार नहीं कर पाते, मैं बहुत चाय पीता हूँ। तो ये जिस किसी वेबसाइट में लिख रखा है कि ये पहले चाय नहीं पीते थे, भाई अपना वेबसाइट में आर्टिकल अपना एडिट कर लेना, क्या कोई और चाय वाला है? तो मैं ये पूछ रहा था, क्या स्टेप फॉलो करते हो आप? मैं चाय पे ही बात करूँगा। पहले अदरक डालते हो या पहले चाय पत्ती डालनी चाहिए? अच्छी चाय के लिए क्या करें? यार मैं अपने शुरुआती दिनों में बहुत चाय बनाता था, जब मैं चाय का ठेला चलाता था तो कई पत्रकार आते थे, कई व्लॉगर्स आते थे कि आपकी चाय में ऐसा क्या है, तो मैंने कहा मेरी चाय में कुछ भी नहीं है भैया, चाय है, पानी है, थोड़ा सा शक्कर है, पत्ती है और अदरक है, और फिर थोड़ा सा खुद को डाल देता हूँ, थोड़ी प्रेरणा, थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, तो चाय अच्छी बन जाती है। तो देयर इज़ नो स्टिल अ प्रोसेस, और बहुत सारे लोग मुझे अभी भी चाय वाला ही समझते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, और हम हमेशा बोलता हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पर जाके बोलता हूँ कि हम चाय बेचते नहीं हैं, हम प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। दिल्ली में उनको प्रूव करना है, आपकी जिंदगी है ना, आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष को लेके अब लीपापोती मत करो, आपकी कहानी तब बताओ जब वो बिक्री हो, जैसे एमबीए चावला की बिक्री है, नहीं तो आपकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है सर। बी वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, नोबडी केयर्स कि आपके पापा कैसे हैं, आप मंदसौर से आते हो, धार से आते हो, आप गरीब हो, आपके पास कपड़े नहीं है, आप 2,500 की नौकरी करते हो, अगर आपकी कहानी बिकती है, YouTube पैसा देता है, आपकी दुकान चलती है, तो कहानी बोलो, नहीं तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। समय होता है, आपका एक कंडीशनिंग होता है सर। 2-5 साल का संघर्ष करो, आपने प्रिपरेशन करी, आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हुई कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। एग्जाम क्लियर मुझसे भी नहीं हुई थी, मैंने 2.5 साल कैट जीमेट की प्रिपरेशन करी, LRDA क्वेश्चन दिन भर सॉल्व करता, RS अग्रवाल की किताब कितनों को पता है, वो येलो कलर की मोटी, ये देख लो इतने हाथ उठ रहे हैं, सबको पता है कितनी मोटी किताब है, 750 पेज है ना उसमें, मैंने 10 बार सॉल्व करी, कितनी बार, 10 बार, फिर भी मैं बेच क्या रहा हूँ, पर तुम क्या बोल रहे मेरी एग्जाम नहीं निकल रही, तुम क्या बोल रहे कि वैकेंसी नहीं आ रही, एम आई राइट? उस प्रिपरेशन को आप ये मत समझो कि वो कोई, हेलो
तो गाइस हम देख सकते हैं हमारे साथ सर है राजू ने, मतलब इंदौर के शान और यहाँ पे आए हुए इंदौर में आप मिल सकते हैं सर, क्या मैं बोलना चाहूँगा कि तुमने कुछ सोच के बनाई होगी अपने कि मैं ये चैनल बनाऊँगा, तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसा लगाते हैं कि यार 1000 व्यूज़ आ जाए, 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए, 10 मिलियन व्यूज़ आ जाए, तो अगर नहीं आए तो धैर्य मत खोना और तुम उससे सीख लेते रहना और खुद एनालिसिस करना कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ किसके कारण होना, और करते रहना बिकॉज प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, और परफेक्शन किसी भी दिन नहीं आता, और कोई एक वीडियो आपकी वायरल हो गई और फिर दूसरी 10 नहीं हुई तो अगेन हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है सर, थैंक यू। इतना ही कर दो करम, हम आ चुके हैं गांधी हॉल में। हर्षित सर हमारे साथ, हर्षित सर है हमारे एक चौक के बहुत ही फेमस है हमारे घर। हमारे साथ है लिट चौक जनमन से आज ऐश्वर्या। हेलो गाइस, 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे ऐश्वर्या। 11 से 2 का शो सुपर वुमन मैं होस्ट करती हूँ, तो आप प्लीज ट्यून इन करिए, मेरी आवाज सुनिए एंड ऑफ कोर्स फॉलो दिस गाय द इनक्रेडिबल व्लॉग्स। गाइस हमारे साथ है लल्लन टॉप के बहुत ही फेमस एंकर सर, क्या बोल रहे हैं आशीष, आशीष क्या बोलना चाहेंगे? ये जैसा मुझको बता रहे हैं कि इनका नाम अमन है, मुझे नहीं पता, पर ये बता रहे हैं इनका बड़ा एक इनक्रेडिबल सा चैनल है जिसका नाम है द इनक्रेडिबल व्लॉग्स, में ये व्लॉग्स बनाते हैं, अभी मैं जाके देखूंगा, तब तक आप भी सर्च करो देखो और पता चला अगर द इनक्रेडिबल व्लॉग्स में ये कुछ और करते होंगे, गाली गलौज नहीं करते व्लॉग बना के, लोगों को रोस्ट तो नहीं करते, मैं आज जाके चेक करूंगा, आप भी चेक करो, आप भी इनका वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ और ये वीडियो बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ, ढेर सारी इसको डॉलर कमाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैं आर्ट कॉलेज आईफा की तरफ से ट्रस्ट लगाया गया है यहाँ पर, एंटीक रेडियो है, हाँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सभी इंदौर की फेमस बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको कार्डबोर्ड में स्टैचूज दिखेंगे, अपोलो बिल्डिंग है यहाँ पर, वी हैव व्हाट इज दिस, ये हमारा राजवाड़ा बिस्तर, गाइस देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर पंकज त्रिपाठी को देखने के लिए, यहाँ पर भैया लोग खड़े हैं, यह किसका वेट कर रहे हो आप? पंकज त्रिपाठी का है ना, सभी लोग को देख सकते हैं आप, सभी पंकज त्रिपाठी को लगे हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है थोड़ी बहुत।
गाइस देख सकते हैं क्या ही टैक्टिक लगाई है यहाँ पे उन्होंने, रास्ता रुक चुके हैं, ये ऑनलाइन पे समझाते हैं पूरा। धीरे धीरे ना कार तक आ जाएगी। हम लोग जिस मकसद को आने दीजिए, आगे मनोज सर को आने दीजिए प्लीज, आगे आने दीजिए। सवाल भेजे गए हैं वो ये है कि आपसे पूछा गया कि ये बहुत कलाकारों की साहित्यकारों की ज़मीन है, महारानी अहिल्याबाई होलकर की ज़मीन है, तो पूछा गया मुझसे कि आप पूछिए उनसे कि आप साहित्य को पढ़ने के लिए इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और भी नए अपडेट्स के लिए। ओके बाय।